کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت میں ایک انتہائی حسین وادی کے اندر موجود ہوں جس کا نام مالم جبہ ہے اور مالم جبہ میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار برف باری ہو رہی ہے اور برف باری دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور جس کی وجہ سے انتہائی سرد موسم ہے اور اس وقت میرے کان انتہائی ٹھنڈے یخ ہو چکے ہیں مالم جبہ کا جو لاسٹ ویو پوائنٹ ہے وہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہو اس وقت اب ہم تھوڑی دیر تک وہاں جائیں گے انشاءاللہ میں وہاں کا بھی آپ کو ویو دکھاؤں گا اور ہر طرف سنو ہے ہر طرف سفید کلر کی برف پہاڑوں کی پرچھائی ہوئی ہے اور انتہائی خوبصورت دیکھنے کا منظر ہے میں نے اپنی لائف میں پہلی بار اتنی برف دیکھی ہے کہیں پہ ورنہ زیادہ سے زیادہ فریج کے اندر دیکھی تھی اس سے پہلے تو یہ جو مالم جبہ ہے یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے سکیف فیسٹیول چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مالم جبہ کتنا خوبصورت ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی دوستو یہ ہماری گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں میں ہم آئے ہیں یہاں پہ مالم جبہ اور انتہائی قابل ڈرائیور کا یہاں پہ کام ہے کیونکہ یہاں پہ نا سلپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جب برف باری ہو جاتی ہے ہر طرف سفید کلر کی برف انتہائی خوبصورت منظر ہماری گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے اب ہم مالم جبہ کے پیک پوائنٹ پہ جانے والے ہیں جہاں پہ مالم جبہ کے ٹاپ پہ جانے والے ہیں اب شکیل بھائی خیال سے گرنا نہیں ہے یہاں ڈاکٹر نہیں ملے گا بھائی یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو لوگ گاڑیاں لے کے آتے ہیں تو اپنے گاڑیوں کو اس طرح سے چین لگا کے لاتے ہیں تاکہ گاڑی سلپ نہ ہو زیادہ یہ سب سے ضروری ہے اس کے بغیر گاڑی جو ہے برف باری والے علاقے میں چڑھ نہیں سکتی
जी दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्की का ट्रैक है और यहाँ पे हर साल फेस्टिवल होता है और फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे स्की करने, और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, काफ़ी हाइट है इसका। और इसके साथ ये चेयरलिफ्ट है, आप देख सकते हैं 600 रुपीज़ इसका रेंट है और आने जाने का। और इसके अलावा जो लोग यहाँ से जाके वापसी ज़िपलाइन के थ्रू आना चाहें, तो ऊपर आप देख सकते हैं शायद आपको तारे नज़र आ जाएं, अगर कोई ज़िपलाइन के थ्रू आना चाहे वापस, तो उसके 2000 रुपीज़ पर हेड है, यानी 2000 रुपये टिकट है उसका। तो मालम जब्बा की खूबसूरती देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। और अगर आप मालम जब्बा आते हैं और चेयरलिफ्ट में ना बैठें, तो मालम जब्बा आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आपने मालम जब्बा की खूबसूरती देखनी है, तो आप चेयरलिफ्ट पे लाजमी बैठें। चलें फिर आपको चेयरलिफ्ट की सैर करवाते हैं, और हम भी सैर करेंगे और आपको भी कराएंगे। चेयरलिफ्ट पे सवार हो चुके हैं हम, और अब देखते हैं यहाँ से कैसे मनाजिर मिलते हैं देखने को। आसपास काफी लोग हैं यहाँ पे। और स्की के ट्रैक पे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, काफी लोग ट्रैक के ऊपर भी खेल रहे हैं। चेयरलिफ्ट के साथ साथ बहुत से ममालिक के झंडे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं स्की करने के लिए। इस स्की ट्रैक के स्लोप की हाइट तकरीबन 800 मीटर है, और यहाँ पे काफ़ी ममालिक के लोग आते हैं स्की करने के लिए। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, और एक हाथ से मैंने अपना कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैंने अपने आप को सेव किया हुआ है। चेयरलिफ्ट के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, कुछ सामान अगर किसी अगर नीचे गिर जाए तो वो उठा के देने के लिए नीचे खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्की भी कर रहे हैं, स्नो को एंजॉय कर रहे हैं। चेयरलिफ्ट की राइड तकरीबन 5 से 7 मिनट की है, और 5 से 7 मिनट में ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हम लोग टॉप पे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे एंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर वापस।
अगर आपने नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो मालम जब्बा के टॉप पे हैं, दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। हमारी राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ हम लोग उतर जाएंगे और फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे मनाजर देखने को मिलते हैं। लो जी दोस्तों, हम लोग वापसी के लिए चेयरलिफ्ट पर सवार हो चुके हैं। सायरन भी बज चुका है क्योंकि शाम हो चुकी है और चेयरलिफ्ट इंतज़ामिया ने कहा है कि भाई जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब वापसी के लिए सवार हो जाएं चेयरलिफ्ट पे। तो इंशाल्लाह अगले 5 से 7 मिनट में हम लोग अपने पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। इतना आते हुए हसीन मंज़र था उससे कहीं ज़्यादा वापसी का मंज़र है। सूरज ग़ुरूब हो रहा है ऑलमोस्ट और ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इतने प्यारे, और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। बहुत ही हसीन मंज़र है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद
बोन फायर कर रहे हैं इको फ्रेंडली टूरिज्म की तरफ से आज, और ये हमारी फर्स्ट नाइट है मालम जब्बा में। और हमने जो स्टे किया है वो फ्रंटियर टावर होटल पे किया, जो बिल्कुल सबसे अच्छी लोकेशन पे है मालम जब्बा की। और हमारे साथ हमारे दोस्त हैं सारे, डॉक्टर रहीम यार खान से भी आए हैं, लोधरा से भी आए हैं, खाने वाल से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं, इस्लामाबाद से भी आए हैं, और कहाँ से हैं, फैसलाबाद से। तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ही माइनस में जा चुका है मालम जब्बा का। स्नोफॉल हुई थी कल परसों, तो उसकी वजह से आज तो रोड्स तो क्लियर हैं, बट इस ठंडी हवा में भी बॉन फायर हमने कर लिया। तो बर्फ़ के ऊपर इंजॉय करें हमारे साथ, तो मिलते हैं बॉन फायर के बाद। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, पाकिस्तान के जो सियाहती मकामात विज़िट करने के लिए जो यहाँ नहीं आ पाते, तो हम उनको इंशाल्लाह घर बैठे सब कुछ एक्सप्लोर करवाएंगे। तो उस चीज़ के लिए, मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद विज़िट के लिए और घर बैठे ही सैर के लिए, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप तक सारी वीडियोज़ हर वक्त पहुँचें।